जी वजीर अला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने के हवाले से अब नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वजीर अला पंजाब जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और पिटीशन जो है तैयार कर ली गई है और कुछ ही देर में इसे दायर कर दिया जाएगा। पिटीशन के मुताबिक उन्होंने इसमें मौकफ इख्तियार किया है कि गवर्नर ने इत्माद का वोट लेने के लिए जो खत लिखा है वो वजीर अला को नहीं बल्कि स्पीकर को लिखा है और जो असेंबली इजलास है वो स्पीकर ने बुलाना है, जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि स्पीकर ही इजलास खत्म कर सकता है और इजलास जो है वो पहले ही एक चल रहा है तो दूसरा इजलास गवर्नर के कहने पर तलब नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने कहा कि वजीर आला के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वह उस हवाले से भी असेंबली में तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है। अदम एतमाद पर पहले कार्रवाई उन्हें क्या होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा जो मसला है वो सामने आएगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने आइन को नजरअंदाज करके महज अपने वकला के मशवरे पर यह अमल किया है। गवर्नर को इख्तियार ही नहीं कि वह आइनी तौर पर वजीर आला को डी नोटिफाई कर सके। अदालत से उन्होंने इस्तदा किया है कि वजीर आला को जो डी नोटिफाई करने का गवर्नर का इकदाम है उसे कलअदम करार दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।